बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबसार अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSM प्रॉपर्टीज। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में ओपन फाइल लेनी चाहिए या फिर ट्रांसफरेबल फाइल लेनी चाहिए। मेरे हाथ में आप जो व्यूअर्स एक फाइल देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफरेबल फाइल है जो प्रॉपर एक बंदे के नाम पे है। इसके ऊपर उसका नाम है, पूरी डिटेल है, नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल है, उसका फोटो है, सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। ओपन फाइल क्या होती है? ओपन फाइल एक ओपन जिसके अंदर किसी का नाम मेंशन नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल नहीं होगी, अलाटी का नाम नहीं होगा, कोई फोटो नहीं होगा। जिसके हाथ में फाइल है वही उस फाइल का मालिक है। मोस्टली जो इन्वेस्टर्स रात होते हैं वो ओपन फाइल लेते क्यों हैं? वो फाइल इसलिए लेते हैं कि जब इंसान के अंदर लालच आ जाता है, होता क्या है कि एक लेट्स सपोज आपने एक बंदे का बजट है 5 लाख रुपए का, तो वो कहता है बजाय इसके कि मैं एक सात मरले की फाइल लेके उसकी डाउन पेमेंट जमा कराऊं, उसकी कंफर्मेशन जमा कराऊं और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट जमा कराऊं, तो मैं क्यों ना 1,54,000 की डाउन पेमेंट के साथ 4,62,000 रुपये में 3 फाइलें क्यों ना ले लूं। अब होता क्या है कि फाइलें तो वो 3 ले लेता है लेकिन उसकी कन्फर्मेशन जमा नहीं कराता, उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी फाइल जो है वो कैंसिलेशन की तरफ चली जाएगी। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा अपने नाम के ऊपर प्लाट ट्रांसफर करवाएं, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर करवाएं, लेकिन कभी भी फाइल ओपन ना रखें। ओपन फाइल जिसके हाथ में होगी वही उस फाइल का मालिक है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो तमाम देखने वालों को हमारा मशवरा यही है कि जब भी फाइल लें वो ट्रांसफरेबल लें, अपने नाम के ऊपर उसको ट्रांसफर करवाएं, बजाय इसके कि 8-10 ओपन फाइलें लेके रखने के बाद में वो रद्दी बन जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी ओपन फाइल परचेज ना करें, हमेशा ट्रांसफरेबल फाइल लें। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि ये और इस तरह की मजीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक यू।